यूपी में भारी बहुमत से सत्ता में आई योगी आदित्यनाथ की सरकार ने शासन के 6 महीने पूरे होने के मौके पर श्वेत पत्र जारी कर पूर्ववर्ती सरकारों के कामकाज को कटघरे में खड़ा किया है। लोक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पिछले 15 सालों में सरकारों ने न केवल भ्रष्टाचार बल्कि वित्तीय अनुशासनहीनता और गैर जिम्मेदाराना कामकाज किया। प्रदेश सरकार ने एक श्वेत पत्र प्रकाशित करने का निर्णय लिया। पिछले 12-15 वर्षों के अंदर प्रदेश के अंदर कार्य करने वाली सरकारों के कारनामों की एक अनंत श्रृंखला है। श्वेत पत्र की बड़ी बातों पर गौर करें तो वर्तमान सरकार को विरासत में अराजकता, गुंडागर्दी, अपराध एवं भ्रष्टाचार में विषाक्त वातावरण मिला। ध्वस्त कानून व्यवस्था के कारण निवेशक और व्यापारी भी प्रदेश में अपना कारोबार संचालित नहीं कर पा रहे थे। सार्वजनिक एवं निजी भूमि पर जबरन कब्जा करने वाले अपराधियों एवं भू माफियाओं का प्रदेश में बोलबाला था। थानों में FIR दर्ज करने में घोर भेदभाव किया जाता था। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में मथुरा, मुजफ्फरनगर, बरेली समेत लगभग सभी प्रमुख जनपदों में सांप्रदायिक दंगे हुए। पूर्व सरकारों की उपेक्षापूर्ण नीतियों के कारण किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य न मिलने एवं चीनी मिलों द्वारा समय से पूरा भुगतान न करने के कारण किसानों की माली हालत खराब थी। पिछली सरकार सड़कों के निर्माण के प्रति गंभीर नहीं थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश में क्रियान्वित ही नहीं की गई। विकास परियोजनाओं को वर्षों तक लंबित रखने के कारण उनकी लागत में बढ़ोतरी हुई। योगी ने पिछली सरकारों के घोटालों की जांच कराकर दोषियों को सजा दिलाने का भी वायदा किया। योगी ने कहा कि जनता को पिछली सरकार के काम जानने का हक है और इसलिए श्वेत पत्र का लाया जाना जनता के प्रति जवाबदेही का उदाहरण है और उनकी सरकार अपने कामों का भी ब्यौरा जनता को देगी। मां की उपलब्धियों को रखने के पूर्व यह श्वेत पत्र आप सबके सम्मुख आना अत्यंत आवश्यक था। प्रदेश के अंदर 31 मार्च 2007 को जो प्रदेश की जो ऋण ग्रस्तता थी वह 1,35,000 करोड़ रुपए थी, जो 31 मार्च 2017 को बढ़कर के 3,75,000 करोड़ रुपए हो गई। यानी 10 वर्ष में प्रदेश की जो ऋणग्रस्तता थी यह लगभग 2.5 गुना से अधिक हुई है। सूबे का मुख्यमंत्री बनने के 6 महीने पूरे होने के मौके पर ही योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्रियों केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा तथा मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और मोहसिन रजा ने भी विधान परिषद के सदस्य के रूप में शपथ ली। इन सभी के लिए 6 महीने में प्रदेश विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य बनना अनिवार्य था। यह 6 माह की अवधि 19 सितम्बर को खत्म हो रही थी। लखनऊ ब्यूरो के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, DD News।